पहुंचने में देर हो गई है, तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि मेरा, मैं मास्टर हूँ, दो मिनट मतलब दो मिनट शरद जी को सुनना है ज्यादा, इसलिए कोई औपचारिकता नहीं, कोई स्वागत भाषण नहीं, सीधी अपनी बात रखे, उसका सीधा शरद जी के पास हम चले। धन्यवाद, कोई औपचारिकता ना करते हुए बस आने में देर हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। सर, आप भी सामाजिक न्याय सम्मेलन जो बनारस में हुआ था उसमें आप गए थे, उस तानाशाही व्यवस्था का वह परिणाम था कि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में चाहते हुए भी उस सामाजिक न्याय आंदोलन को नहीं करवा पाए, जिसमें सूरज मंडल सर भी गए थे। साथियों, हम बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आदरणीय शरद यादव जी को सुनना है, जिन्होंने इस देश की साझी विरासत को बचाने के लिए अपने समय के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक बात के साथ कि जब चौस्तर प्रणाली हम लोग BHU में थे, सबसे पहले उसका मामला वहीं से उपजा था, आप सबों को ज्ञात है, क्योंकि वहीं के एक छात्र ने अपील की थी और वहीं से उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके बाद UGC ने उसको पूरे देश में लागू कर दिया है। हम लोग 2012 में आदरणीय सांसद रामकिशन जी थे चंदौली से हम लोगों की पार्टी के, हम लोगों ने BHU में 10 साल में 5 बार रोस्टर प्रणाली बदली गई थी, उसको लेकर के वो संसदीय पिछड़ा वर्ग आयोग कमेटी के सदस्य थे, हम लोगों ने उनको दी थी, उन्होंने उस मामले को सदन में उठाया था और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोस्टर में बदलाव हुआ और बैकवर्ड की सीट बढ़ी थी। वो लड़ाई लंबी चल रही है, तमाम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, कई बार मेरा विश्वविद्यालय से निष्कासन भी हो चुका है इस मसले को लेकर के, तमाम लोग पूर्वांचल के हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ और बहुत धन्यवाद मैं विशेष रूप से इस बात के लिए सर आपका भी, और इन तमाम लक्ष्मण, संतोष, जयंत हैं और जगदीश हैं, सारे लोगों का, मनोज है, मैं इसलिए खुश हूं कि मैं जिस धरती से जहां लगातार अपने समाजवादी विचारधारा, बहुजनवादी विचारधारा को लेकर लड़ता रहा हूं, तमाम लाठियां खाई हैं हम लोगों ने, कितनी बार हाथ फ्रैक्चर हुए, जेल गए, लेकिन उसके बावजूद एक जुनून था कि समय बदलेगा, समय हमारा आएगा, हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, और जैसा आदेश होता है यहाँ से आप सबों के माध्यम से, आपने जो पहल की है सर, मैं इसके लिए सूरज मंडल सर आपका बहुत आभारी हूँ कि जहाँ से देश में बहुजनों की आवाज जानी चाहिए थी वहां से वो आज दबाई जा रही थी, आपने इतनी जोरदार पहल की है, हम सब उसी के समर्थन के लिए आए हैं, और जिस तरह से यहाँ से आप सबकी आवाज जाएगी, हम सब पूर्वांचल में ही नहीं पूरे भारत में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। लेकिन नमाज देवबंदी का एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, बस ख्याल रखना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आग मुकद्दर आपका है, आग मुकद्दर आपका है, उसकी कत्ल पे मैं भी खुश था, उसकी कत्ल पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया है, मेरी कत्ल पे तुम भी खुश हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। आपने मुझे इतना ही कहने के लिए इस विशिष्ट समय से समय दिया सर, बहुत आभार, और पुनः हृदय की गहराइयों से मैं इससे एक मिनट और लूंगा, मैं भावाभूत हूँ इसलिए कि सर ये जो शुरुआत जो हुई यहाँ से, लक्ष्मण और संतोष तमाम साथियों ने जब कहा तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर कि जहाँ से लोगों की आवाज़ दबाई जाती थी, जहाँ से अब मैं बार बार कहता रहता था कि देखिए DU ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश को लीड किया जा सकता है इन मसलों पे और मैसेज दिया जा सकता है। और बहुत आभार आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का जो हम सबों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे समाजवादी और बहुजन आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, और जिग्नेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात के लिए कि बबुआ और बुआ की पहल हो गई है, हम लोग बबुआ के सिपाही हैं, अब बुआ के साथ हैं, हम इनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे, इस आश्वासन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।